हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पाथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लाइक UPSC, SSC, MPPSC, बैंक, PO, रेलवे, हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे इसको। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड कई वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इसके साथ ही मैं इसे ऊपर लगे आई बटन में भी दे दूंगी, वहाँ से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम का बेसिक समझते हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। कि सबसे पहला क्वेश्चंस है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो कि दादा भाई नौरोजी ने लगाया था वर्ष 1868 में। उसके अलावा राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे जाता है? तो राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर BKRV राव को जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, मीन्स आज के समय में राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम का अनुमान कौन लगाता है? तो उसका आंसर है CSO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुआ था। यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोर्ड है, ये भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। उसके अलावा आपको याद रखना है CSO दिवस मनाया जाता है, जो कि 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्त वर्ष, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्त वर्ष है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ये पूरे एक साल का होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसे कि वित्त वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम समझने के लिए हमें ये चार टॉपिक को अच्छे से समझना रहेगा, उसके बाद आप नेशनल इनकम को इजीली समझ सकते हो। जिसमें कि सबसे पहला है GDP, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कि सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है हिंदी में। उसके अलावा है NDP, NDP का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कि निबल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। उसके अलावा है GNP, जिसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, उसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जा सकता है। तो GDP, NDP, GNP और NNP, इन चारों को हम लाइन वाइज एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेशनल इनकम। इनकम, इनकम का मीन्स है वैल्यू, वैल्यू को यहाँ से लिया जाता है मॉनेटरी वैल्यू। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। नेशनल इनकम को मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में कंसिडर किया जाता है। जैसे हर एक देश का अपने एक अलग इनकम होता है, जिसे कि नेशनल इनकम कहा जाता है। जैसे आपकी एक फैमिली का भी इनकम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में फादर है जिसकी इनकम है 10,000, तो अगर आपसे आप पूछा जाएगा आपकी फैमिली इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे 10,000, सो दैट इज़ योर फैमिली इनकम। उसी तरह से एक देश की इनकम भी होती है, जिसे कि नेशनल इनकम कहा जाता है, और जो कि मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इसका डेफिनेशन है टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनेंशियल ईयर। तो गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे। फाइनल गुड्स और सर्विसेज मीन्स फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स इसके अंदर हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल और फिनिश गुड्स को कंसीडर करेंगे। उसके अलावा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। फाइनेंशियल ईयर ये एक साल का होता है, हर एक देश का अपना अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है। तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर, जिसे कि हम कह सकते हैं प्रोड्यूस इन अ विद इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। उसके अलावा है सबसे पहले आता है नेशनल इनकम में GDP, GDP जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GDP। GDP की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इसका डेफिनेशन है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन एन इकोनॉमिक। इन एन इकोनॉमिक का मतलब है विद इन इकोनॉमिक, मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमिक, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज
एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, दोनों को जीडीपी में ऐड करते हैं, ऐड किया जाता है। तो सबसे पहला थिंग है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, मींस फाइनल या फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड नंबर पे आता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 1 अप्रैल to 31 मार्च। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इन एन इकोनॉमिक, मतलब एक इकोनॉमिक के अंदर। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान जो कि इंडियन है और उसका एक रेस्टोरेंट है जो कि दुबई में है, तो आमिर खान को दुबई के रेस्टोरेंट से भी इनकम अर्न होता है, लेकिन जीडीपी निकालते वक्त हम आमिर खान की सिर्फ इंडियन इनकम को ही ऐड करेंगे, मतलब वो इनकम जो उसने इंडिया में ऐड किया वही ऐड होगा, और जो इनकम उसने दुबई के रेस्टोरेंट से अर्न किया है वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डोमेस्टिक इनकम को ऐड किया जाता है, जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न की है सिर्फ उसी को ऐड किया जाता है, दुबई की इनकम को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। सो जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक इन अ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है जीडीपी का फॉर्मूला, आप यहाँ पे देख रहे हैं जीडीपी, जिसे कि हम सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स, ये इसका फॉर्मूला है। चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हम जीडीपी निकाल सकते हैं। तो सी का मतलब है कंजप्शन। कंजप्शन का मीनिंग है कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने में कितना खर्चा कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे। प्लस जी का मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के जितने भी स्पेंडिंग है। प्लस आई से है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मींस फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। उसके अलावा है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फॉरेन कंट्री में भेजा गया है, और इंपोर्ट मीन्स ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फॉरेन कंट्री से इंडिया में मंगवाया गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स कर देंगे तो यहाँ से हम जीडीपी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जीएनपी, जिसे कि कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है नेशनल के ऊपर, नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम जीएनपी के डेफिनेशन की बात करें तो उसका डेफिनेशन है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है ऐसे रेजिडेंट जो कि नेशनल है, जो कि इंडिया के हैं और काफ़ी लंबे समय से इंडिया में रह रहे हैं, और जिनकी इनकम इंडिया से हो चाहे फॉरेन कंट्री से हो, दोनों को जीएनपी में ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था जीडीपी में आमिर खान का, आमिर खान जो कि इंडियन है और उसका रेस्टोरेंट दुबई में है, तो जीएनपी में हम उसकी दोनों इनकम को ऐड करेंगे, जो इनकम उसने इंडिया से अर्न की है और जो इनकम उसने दुबई से अर्न की है, क्योंकि वो एक इंडियन है तो वो अगर इनकम इंडिया से कमाता है तो भी ऐड किया जाएगा, और वो इनकम अगर फॉरेन कंट्री से अर्न करता है तो भी जीएनपी में ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब एक फॉरेनर है जो इंडिया में जिसका बिजनेस है वो इनकम अर्न कर रहा है, उसकी इनकम को हम ऐड जीएनपी में नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरेनर इंडियन नहीं है, दूसरे देश का है, तो वो जो भी इनकम अर्न करता है चाहे वो इंडिया से है चाहे वो फॉरेन कंट्री से, हम उसे जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। जीएनपी में सिर्फ नेशनल्स की इनकम, सिर्फ इंडिया की, इंडियन की इनकम ही ऐड करेंगे, जो कि उसने चाहे इंडिया से कमाई है चाहे फॉरेन कंट्री से कमाई है। तो इसमें हम आमिर खान की इनकम को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो इनकम इंडिया से अर्न कर रहा है चाहे वो इनकम दुबई से अर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी जिसमें हम सिर्फ इंडिया की इनकम को ऐड करेंगे, और जीएनपी जिसमें हम इंडियन प्लस फॉरेन, एक इंडियन जो इंडिया से और फॉरेन से भी इनकम कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे। तो जीडीपी में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसीडर करते हैं, मतलब विद इन द कंट्री, और जीएनपी में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसमें आउटसाइड द कंट्री भी इनकम को हम जीएनपी में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ गया होगा, द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीएनपी का फुल फॉर्म है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं।
नेक्स्ट है जीएनपी। जीएनपी का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, जीएनपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो जीडीपी जो अभी हमने निकाला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से अगर हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देते हैं तो हम यहाँ पर जीएनपी निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जो गुड्स हम फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्री से हम मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। दोनों को माइनस करके जीडीपी में ऐड कर देंगे तो यहाँ से आप जीएनपी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम। नेक्स्ट है एनडीपी। एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो नेट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये भी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ईजिली निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर में मशीनों की कीमत में होने वाली कमी, मतलब मशीनों के प्राइस में जो भी कमी होती है दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जिसे कि हिंदी में मूल्यह्रास भी कहा जाता है। ये हर एक गुड्स पे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 10,000 रुपये का, अगर आप इसे 2 साल बाद सेल करते हो तो वो कभी भी सेम प्राइस में सेल नहीं होगा, वो हमेशा कम प्राइस में ही सेल होगा, क्योंकि 2 साल के लिए आपने वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया है। तो फॉर एग्जांपल आज अगर आप उसे 10,000 में परचेज करते हो और 2 साल बाद उसे 8,000 में सेल करते हो तो यहाँ पर आपको 2,000 का लॉस होता है। इसी 2,000 को डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जो कि कीमत में होने वाली कमी है क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है। तो एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो यहाँ से आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये भी नेट है तो यहाँ भी हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। तो एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो यहाँ से हम एनएनपी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस वीज नेट। इसका डिफरेंस समझना आपको ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि नेट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पर अभी हमने किया एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। तो इसके जरिए आप नेट ईजिली निकाल सकते हो। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एंड एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है नेशनल वीज डोमेस्टिक। इसका कंसेप्ट भी आपको समझना ज़रूरी है नेशनल इनकम समझने के लिए। नेशनल अभी हमने किया कि नेशनल के अंदर डोमेस्टिक प्लस NFIA, NFI का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दोनों को ऐड किया जाता है। सो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, मींस ऐसी इनकम जो कि एब्रॉड से अर्न की है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेशनल निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से के लिए हमने डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों इनकम को ऐड किया था। जैसे हमने इसमें आमिर खान का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने उसकी इंडिया की इनकम प्लस दुबई की इनकम दोनों को ऐड करके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस नेशनल निकाला था। लेकिन डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जीएनपी का फॉर्मूला हमें दे रखा है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम जिसे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी कहा जाता है। तो एक्स यहाँ पर एक्सपोर्ट है और एम इम्पोर्ट है, दोनों को माइनस करके जीडीपी में ऐड करेंगे तो यहाँ से हम जीएनपी इजिली निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर कॉस्ट विज मार्केट प्राइस। तो नेशनल इनकम में ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास 4 टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला है लैंड, फिर है लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड भी एक फैक्टर है। लैंड का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें रेंट पे करना पड़ता है, और अगर आप लेबर का यूज़ करते हो तो उनको वेजेस पे करना पड़ता है, कैपिटल को हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर को हमने प्रॉफिट देना पड़ता है। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये फैक्टर कॉस्ट है। ये आपको याद रखना है।
फैक्टर कॉस्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट से परचेज करते हैं, ये एक इसकी नॉर्मल भाषा है। मार्केट प्राइस निकालने के लिए जो अभी हमने फैक्टर कॉस्ट निकाला, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को हमें लेस करना है। सब्सिडी मतलब जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड ही है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे। एनएनपी एट मार्केट प्राइस मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करने पे मार्केट प्राइस आ जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने पे मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय। अभी हमने नेशनल इनकम निकाला था, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की आय। अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से। नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या। नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर यहाँ पर हम प्रति व्यक्ति आय, या जिसे आप पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय जो कि गोवा की है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। तो नंबर फर्स्ट पे आता है गोवा, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है बिहार की। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने नेशनल इनकम का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much. All the best.